सन है, हमें मालूम है कि सन जो है वो एक ऐसा सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस करता है, और ये जो लाइट प्रोड्यूस करता है ये हम तक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स पहुंचती है। लेट सपोज कि इसमें बहुत ज़्यादा लाइट की रेस प्रोड्यूस हो रही है और हम तक इन द फॉर्म ऑफ वेव्स पहुँच रही है, हमारे सन है। और ये फर्क कर लें कि लाइट की जो रेज है ये यहाँ पर मौजूद वाटर सरफेस के ऊपर पड़ती है, किसी समुंदर में, किसी सी में या कोई दरिया है उसके ऊपर, वाटर की सरफेस के ऊपर पड़ रही है। तो जाहिर है इनमें से कुछ लाइट की रेज जो है वो हमारी वाटर सरफेस के साथ कुछ एंगल भी बनाती होंगी, कुछ जो है वो खतरे मुस्तकीम पर भी सफर करती होंगी, कुछ सीधी अंदर चली जाती होंगी। जैसे कि फर्क कर लीजिए कि इन लाइट में जो लाइट की रेज है इनमें से एक रे यहाँ पर आती है, और ये हमारे जैसे हमें मालूम है कि ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और हमारी जो रे आई है रे ए, इसने वाटर सरफेस के साथ आकर यहाँ पर कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया होगा। और जब ये किसी दूसरे मीडियम के अंदर चले गए, जाहिर सी बात है ये हमारे एयर या वैक्यूम है, और ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा वाटर है, यानी ये दूसरा मीडियम है। जब कोई लाइट की रे एक दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसका जो ये वाला एंगल होता है इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि अभी दूसरे मीडियम में दाखिल हो गया तो इसे हम लोग रिफ्लेक्शन ही बल्कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। लेट सपोज कि मैं कह देती हूँ कि ये बी है, ये रे बी हो गई, और जरूरी नहीं कि लाइट की सिर्फ सी की रे आ रही होगी, हो सकता है कोई रे जो है वो यहाँ से आ रही होती है, इसे हम लोग रे सी का नाम दे देते हैं, यहाँ से आती हुई यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाकर बाहर निकल जाती है। सिमिलरली एक हमारे पास एक और रे आती है जिसे हम लोग कह देते हैं कि ये रे डी है, ये रे डी इसके साथ कुछ एंगल बनाती है और यहाँ से फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर निकल जाती है, यानी कि बहुत ही रेज आ सकती है, हम लोग ने सिर्फ एक ही रे को कंसिडर किया है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कुछ रे सीधी भी तो आ सकती है, जरूरी तो नहीं कि सब रे कोई ना कोई एंगल बनाकर आएंगे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई रे बिल्कुल परपेंडिकुलर के पैरेलल भी तो आ सकती है। जैसे कि ये हमारा परपेंडिकुलर, इसे मैं कह देती हूँ कि ये ओ पी हमारा परपेंडिकुलर है, तो कुछ लाइट की जो रे है वो ओ पी के पैरेलल भी तो आ सकती है, ये हमारा परपेंडिकुलर है ओ पी, और कुछ रे जो है वो इसके परपेंडिकुलर पैरेलल आ गए, जैसे कि हमारी ई रे है जो कि पैरेलल आ गई है, तो ये बिल्कुल सी भी नहीं। अगर यहाँ पर हमारी ईयर है तो ये ईयर से जब वाटर में ट्रैवल करती है तो ये बिल्कुल सीधी ही निकल जाती है, तो क्या हमें मालूम है कि हमारी जो लाइट है वो खतरे मुस्तकीम पे चलती है, यानी खतरे मुस्तकीम पे वो अपना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है, तो यहाँ पर क्योंकि उसका कोई एंगल नहीं बनाया तो वो बिल्कुल सीधा ही निकल जाएगी। और जो बाकी रेज हैं जो कुछ ना कुछ एंगल बना के हमारे परपेंडिकुलर जो है उसके साथ आ रही है, इसी तरह वो कुछ ना कुछ एंगल बना के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना के यहाँ से निकल जाती हैं। और अगर कोई लाइट की रे एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं बनाती तो उसका कोई ना कोई उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी नहीं बनता, क्योंकि लाइट बिल्कुल सीधी आ रही है और सीधी ही वाटर के अंदर से गुजर जाती है। जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है हमारा, रिफ्लेक्टिव यहाँ पे लिख देना चाहिए कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि एन के बराबर है, क्योंकि हमारी लाइट की रे जो है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल कर जाती है, तो हम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना हो इस लाइट रे का, तो मैं बता सकती हूँ कि लाइट की जो स्पीड है वो एयर में डिवाइडेड बाय उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, इसे हम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट था जिसे कहा जाता है स्नेल, उसका नाम स्नेल था, स्नेल ने ये कहा कि अगर मैं इंसिडेंट एंगल को साइन इंसिडेंट ले लें, यानी कि हम लोग जो है इस तरह से ले लें कि साइन ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे साइन ऑफ रिफ्लेक्शन का आ जाएगा साइन, इन दोनों के दरमियान अगर रेशो ले ली जाए तो ये भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकती है। इस चीज को जो है वो स्नेल्स लॉ कहा जाता है, स्नेल्स लॉ है चूंकि इसे जो है वो स्नेल्स लॉ कहा जाता है, यानी कि अगर हम लोग बजाय इसके कि हम लोग किसी साइन इनवर्स जो है हमारा इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्शन एंगल करें, अगर हम उसकी जो रेशियो है वो इस तरह से ले लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए, बजाय ये लिखने के कि हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर या शीशे में या ग्लास वगैरह किसी चीज़ में मालूम कर रहे हैं, अगर उसकी जगह हम लोग इस तरह ले लें कि हम लोग साइन को जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये चीज़ भी हमें जो है वो स्नेल्स लॉ बताती है, ये चीज़ भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देती है। इस चीज़ को इंट्रोड्यूस चूंकि स्नेल ने कराया था इसलिए फिर स्नेल के नाम पर स्नेल्स लॉ कह दिया गया, क्योंकि स्नेल ने कहा था कि इस तरीके से भी जो हम हैं वो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्नेल्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए अगर हम कुछ काम इस तरह से करें, कुछ इंटरेस्टिंग काम ऐसा करेंगे
सपोज कि अब हम वाटर की जगह ना फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है इतना हमारे पास ग्लास शीट है, ग्लास की एक स्लैब है, ये हमारे पास ग्लास की एक स्लैब पड़ी हुई है और यहाँ पर हमारे पास जो है इल्यूमिनेटेड सोर्स है, लेट्स से कि हमारे पास बल्ब है जिससे लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब जाहिर सी बात है हम लोगों ने जो अपना सोर्स है, और क्योंकि हम सन को तो उसके नीचे नहीं ना लग सकते, सन तो हमारे सामने ही होना था ना, ग्लास की जो हमारी चीज है ग्लास स्लैब है उसमें हम लोगों ने अच्छी तरह से इस एग्जाम्पल को समझने के लिए लेट्स सपोज कि हमने नीचे कोई बल्ब रख दिया है और बल्ब के ऊपर हम लोगों ने अपरेटस को इस तरह से सेट किया है कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास शीट है, ठीक है। इस ग्लास शीट के ऊपर जाहिर सी बात है हमारे पास एयर होगी, यानी कि यहाँ पर एक मीडियम है और ये दूसरा जो मीडियम है ये हमारे पास ग्लास है। अब होता क्या है कि जाहिर सी बात है ये जो सोर्स है वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इससे लाइट की रेज निकल रही है, तो जाहिर सी बात है इससे कुछ लाइट की रेज जो है वो बिल्कुल सीधी ऊपर चली गई होंगी, लेट्स से कि ये हमारी रे है जो बिल्कुल ही ऊपर चलेगी। इसके बाद कुछ जो लाइट की रेज है वो इस तरह से आई होंगी कि उन्होंने इस सर्फेस के साथ जाहिर सी बात है कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया होगा। हमें मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर जो हमारा एंगल बना है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्योंकि लाइट अभी दाखिल हो रही है और जब लाइट इससे टकराती है और टकरा कर बाहर निकलती है, क्योंकि लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तभी तो हम इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो यहाँ पर जाके कोई ना कोई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बना ही होगा, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके बाद लेट्स से कि ये हमारी रे भी थी, अब इसके बाद मजीद एक रे, अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक और रे है, वो रे इस तरह से आती है कि यहाँ पर मजीद एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है। जाहिर सी बात है जैसे जैसे हमारी लाइट की रेस घटती चली जा रही है, जाहिर सी बात है पहले ये रे ए आई जो बिल्कुल सीधा गुजर गई, फिर रे बी आई, इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया, अब जो रे सी आई की जाहिर सी बात है इसने भी तो हमारी जो सरफेस है ये वाली सरफेस है इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा ऐसा बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता चला जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऐसा ऐसा बढ़ता चला जा रहा है और एक चीज ऐसी आएगी जो मुझे थोड़ा सा ना बड़ा कर लेनी चाहिए। अब यस कंपेयर पहले से बेहतर है, क्योंकि पहले हमारी जो ग्लास शीट थी ना, ग्लास की स्लैब थी, उसका साइज बहुत ही स्मॉल था। जैसे कि हमारी रे सी बी आ गई, रे ए बी आ गई, रे बी बी आ गई और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, हमने कहा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसी तरह बढ़ता चला जा रहा है। अब होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारा जो इंसिडेंट एंगल है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 हो जाए, यानी कि वो इस तरह से सरफेस के बिल्कुल पैरेलल आ जाए या 90 डिग्री हो जाए हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इस चीज को वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट सॉरी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग कहते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि हमारी लाइट की जितनी भी रेज आती हैं, यानी कि जितनी भी लाइट की रेज आएंगी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएंगी हमारी सरफेस के साथ, होता ये है कि अब वो बिच चुके, अब हमारा जो है क्रिटिकल एंगल है वो तो पहुंच चुका है ना, क्रिटिकल एंगल यानी कि सरफेस के बिल्कुल साथ वाला एंगल बिल्कुल ही पैरेलल हो गया हमारे सरफेस के, तो इसके बाद वाली जो रे आती है ना, ये वाली जो हमारी रे थी ये रेडी थी, इसके बाद जो एंगल रे आएगी वो बजाय इसके कि वो रिफ्लेक्शन शो करे बाहर जाए, वो इस मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरह से इसी मीडियम के अंदर बैकवर्ड डायरेक्शन कर लेती है, अपनी डायरेक्शन वापस कर लेती है इसी मीडियम के अंदर, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो ऐसी स्टेज जहाँ पर हमारी जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्रैक्ट ना करे बल्कि रिफ्लेक्ट कर जाए, उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाए, तो इस चीज को, इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब हमने इसे रिफ्रैक्शन इसलिए नहीं कहा कि हमारी जो लाइट की रे है वो दूसरे मीडियम के अंदर नहीं गई बल्कि वो उसी मीडियम के अंदर वापस मुड़ आई है, उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई है, तब इस तरह से हम लोगों ने इसका नाम जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रखा है, रिफ्रैक्शन नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट था
उसमें जो है वो अगर बाहर जाता तो ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आना था, लेकिन इस सूरत में हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया क्योंकि वो उसी मीडियम के अंदर वापस हो रही है। इसके बाद जितनी रेस मजीद जाएंगी वो भी इसी मीडियम के अंदर वापिस आती जाएंगी। तो इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम लोग कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप आमतौर पर गर्मियों में देख सकते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो ना तो गाड़ियों वगैरह के हत्या के जो रनवे है उसके ऊपर जो जहाज है ना उसका भी अक्स बन रहा होता है। और अक्स इस सिचुएशन का बनता है कि यूं महसूस हो रहा था कि जैसे नीचे पानी है लेकिन असल में पानी होता नहीं है, और वो जो अक्स बनता है सड़क के ऊपर वो इसी फिनोमिना की वजह से बनता है जिससे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और इसकी वजह से जो अक्स बनता है वहाँ पर उसे मिराज कहते हैं। तो इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो ये कुछ था स्नेल लॉ क्या कहते हैं, और स्नेल लॉ को ही इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनाया। अब जाहिर सी बात है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका कोई ना कोई फॉर्मूला तो हमें बताया होगा ना कि किस तरीके से कभी कोई काम हो कि हमारी लाइट की जो रे है वो किसी दूसरी मीडियम में जाने के बजाय बल्कि उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो तब अगर हम लोगों को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना हो तो हम लोग उस सिचुएशन में क्या करें। तो इस तरीके के लिए, इस तरीके को मालूम करने के लिए, सिचुएशन के लिए अगर हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना हो जो कि एन है, तो इसे हम लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं वो इस तरीके से। तो लेट सपोज कि अगर आपको मालूम है कि जब आपकी लाइट की रे जो थी एयर से ग्लास में या किसी वाटर में जा रही होती थी तब तो आप एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टिव है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे एन लिख लेते थे, लेकिन अब मुझे यूँ नहीं करना चाहिए क्योंकि अब मेरी जो लाइट की रेज है वो उस मीडियम से जो हमारा शीशा है जो ग्लास स्लैब है उससे एयर में जा रही है, तो अब तो केस ऑपोजिट हो गया ना, तो मुझे जो एन है उसे 1/n नहीं लिखना चाहिए बल्कि 1/n ही लिखना चाहिए। और इस सिचुएशन में जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इस केस में 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करूं कि स्नेल्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर साइन इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्शन की अगर हम लोग रेशियो ले लें तो इस चीज को हम लोग जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते थे। लेकिन इस सूरत में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी लाइट की रेस एयर से नहीं बल्कि किसी मीडियम से एयर में जा रही है तो हमें एन की जगह 1/n लिख देना चाहिए। तो जब इस चीज को हम लोग इनकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो 1/n है वो इस तरह से आता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ सी आ जाएगा जो कि क्रिटिकल एंगल है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो साइन 90 आ जाता है। तो साइन 90 हमें मालूम है कि जो साइन 90 है वो तो 1 होता है, तो इसका मतलब है 1/n इज इक्वल टू साइन क्रिटिकल एंगल। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं क्योंकि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर ग्लास की बात की जाए तो ग्लास के लिए जो सी है यानी कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू वो तकरीबन 42 डिग्री होती है। सिमिलरली अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर के लिए जो हमारा क्रिटिकल एंगल है इसकी वैल्यू तकरीबन 49 होती है। इसी तरह मुख्तलिफ मटेरियल के लिए मुख्तलिफ होती है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मस्ट है कि दो कंडीशन हो। एक ये कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ग्लास या वाटर वगैरह में से एयर में ट्रेवल करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इसके क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अगर इसका इंसिडेंट एंगल 90 से ग्रेटर है तभी तो हमारी ये वाली रे अंदर वापस आई है, इसने रिफ्रैक्शन शो की है। अगर ये 90 से ग्रेटर ना होती तो ये अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए इसका 90 से बड़ा होना जरूरी है ताकि ये अंदर की तरफ आए और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करे। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरह से काम करती है और ये क्या चीज है, और इस चीज को अप्लाई करके हम किस तरह से जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं।